हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मोटरहेड पड में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में। दोनों की बनावट के ऊपर ही इन दोनों का जो है वो नाम रखा गया है। वो डिस्क टाइप है तो इसको डिस्क बोलते हैं, वो ड्रम टाइप है तो ड्रम बोलते हैं उसको। एक्चुएशन कैसे हो रही है? एक्चुएशन से मेरा मतलब है कि आप मैकेनिकली इसको एक्चुएट कर रहे हैं या फिर हाइड्रोलिकली एक्चुएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क तो हाँ कहीं ना कहीं पड़ता है, बट एंड पे जो एक्चुएशन हो रही है वो कैसे हो रही है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे तो बहुत सारी फोर्सेज हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, बट ज़्यादा साइंस में ना जाते हुए एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हर एक के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा वो है कि हमेशा गाड़ियों की भी अगर बात करूं, मैं मोटरसाइकिल की भी बात करूं, तो आगे वाले व्हील में आपको डिस्क ब्रेक क्यों दी जाती है और पीछे वाले में ड्रम ब्रेक क्यों दी जाती है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि कई लोगों का यहाँ पे मिथ है कि हम जब भी ब्रेकिंग करते हैं तो आगे वाला जो हमारा व्हील है वो हम उसकी ब्रेक जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, बट जो भी एक एक्सपीरियंस्ड राइडर या एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है वो ये जानता है कि उसकी गाड़ी का जो 70% ब्रेकिंग है वो आगे वाले व्हील के ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको गलत तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, पिछली ब्रेक ही है जो सब कुछ है वही गाड़ी को रोकेगी, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही आप आगे वाली ब्रेक लगाते हैं तो हमारा व्हीकल जो सीधा चल रहा है वो दब जाता है, यानी कि रोड के अगेंस्ट दब जाता है, जिसकी वजह से उसकी रुकने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पिछली ब्रेक की। तो पीछे में आपको ड्रम दी जाती है क्योंकि पिछली ब्रेक का उतना सिग्निफिकेंट असर या उतना सिग्निफिकेंट कह लीजिए कि रोल नहीं होता वहाँ पे, बट हाँ 30% ब्रेकिंग भी कुछ कम नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट कटिंग चाहती है कंपनी चाहती है कि जैसे जितना पैसा बचाया जा सके उतना बचाया जा सके, क्योंकि ड्रम ब्रेक की को बनाना और इंस्टॉल करना एक बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको कुछ मैकेनिकल एक्चुएशंस लगानी होती है उसमें और कुछ लिंक्स वगैरह जनरेट करने होते हैं, जो कि बहुत ही एक सिंपल काम है। हालांकि वहीं अगर मैं बात करूं डिस्क ब्रेक्स की, तो वहां पे आपको पूरा एक मास्टर सिलेंडर, एक स्लेव सिलेंडर, एक पूरी हाइड्रोलिक लाइन, फिर रिजर्वॉयर, उसके अंदर ऑयल डलेगा, फिर कैलीपर के अंदर रैम लगी होती है, मतलब सारा कुछ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी उसकी जो है वो बनावट हो जाएगी। धीरे धीरे अब क्योंकि एडवांसमेंट हो रही है, अब ABS वगैरह को लॉन्च कर दिया गया है, तो ABS जो है वो बिना डिस्क ब्रेक के काम नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई, कई रॉयल एनफील्ड में तो पीछे ड्रम ब्रेक पे भी डिस्क आ रही है, मतलब ड्रम ब्रेक पे भी ABS आ रही है, तो वहाँ पे कैसे काम करता है? तो वो सिर्फ एक फीडबैक देने के लिए है आगे वाली ब्रेक को। सिंगल चैनल ABS है वो, जहाँ भी आपको ड्रम दिखेगा वो सिंगल चैनल ABS के ही हिसाब से काम करता है, सिर्फ फीडबैक देने के लिए कि पिछला टायर घूम रहा है या नहीं, उसी हिसाब से आगे वाली ब्रेक जो है वो फिर अपना काम करती है या कंपनसेट करती है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि 70% ब्रेक आगे का रोल होता है आपको आपकी गाड़ी को रोकने का, बट ये हर सीन में नहीं है, मैक्सिमम केसेस में होता है जब आपका गाड़ी जो है वो सीधी चल रही है। जब आपकी, मान लीजिए आप किसी मोड़ पे हैं, तो उस फोर्स की वजह से, यानी कि आप अगर किसी एंगल पे बेंड होकर अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो मोड़ रहे हैं, तो तब अगर आप अगली ब्रेक यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। हाँ, सिचुएशन को देख के ही आप ब्रेक्स का जो है वो सही से इस्तेमाल कीजिए, बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस हमारा बाइक जो है वो सीधा जा रहा होता है, तो उस केस में हम अगली ब्रेक के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं वीडियोज़ अभी ऐसे वाली लेके आने वाला हूँ, नॉलेज वाली। तो मैं फिर हाजिर हूँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।